नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम जो कल हमने स्टॉक्स बताए थे उनके रिटर्न के बारे में। वो अभी स्टॉक जो है 4% 5% के प्रॉफिट में चल रहा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट की, जो मर्जर होने जा रहा है सोनी के साथ, सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न के साथ। इस वजह से आज ही के दिन 30% के इसमें अपर सर्किट मान सकते हो, या मतलब 30% के प्रॉफिट एक ही दिन में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी इसके बारे में मत सोचिएगा। धीरे धीरे मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, उसके बाद इसके बारे में सोचिएगा। उससे अब हम बात कर लेते हैं जो हमने कल हमने जो स्टॉक्स बताए थे उनके रिटर्न के बारे में। तो हमने बताया था प्रिंस पाइप दोस्तों कल की वीडियो में, उसमें आज के दिन जो है 4.39% का रिटर्न दिखाई दे रहा है एक दिन के अंदर ही दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा प्रिंस पाइप के अंदर अभी भी जान बाकी है दोस्तों, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई से अभी भी 3.48% नीचे है। और ये प्रिंस पाइप जो है पाइप इंडस्ट्री का सेकंड दिग्गज स्टॉक है। फर्स्ट पे एस्टल है और सेकंड पे प्रिंस पाइप है दोस्तों। तो ये आने वाले समय में प्रिंस पाइप एस्टल पाइप को टक्कर दे सकता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि एक तो इसके रिजल्ट जो है क्वार्टरली बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिजल्ट जो है अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। तो सेकंड हम चलते हैं दोस्तों एलेक्स केमिस्ट की तरफ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की तरफ, जिसको हमने बताया था कि ये लगातार 2-3 दिन से लवर सर्किट लगा रहा था। उस टाइम हमने बताया था कि ये रिवर्स बैक करने वाला है दोस्तों, तो आप इसमें क्वांटिटी उठाना शुरू कर दीजिए। और कल की वीडियो में भी हमने बोला था कि आप इसके स्टॉक्स उठा सकते हो। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप मेरे जो है पहले वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये एक दिन के अंदर ही इसका 5% का पॉजिटिव रिटर्न है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे है दोस्तों। ऑल टाइम हाई से ये करीब 5% के डाउन पे है दोस्तों। तो आप अभी भी इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और न्यू लिस्टिंग है दोस्तों 23 अगस्त की। और इसके बारे में बताएं हम, FII की जो होल्डिंग है वो बढ़ती जा रही है, DII की होल्डिंग वो भी बढ़ती जा रही है, पब्लिक होल्डिंग है वो थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि ये एकदम से जो 20 सितंबर तक जो इसमें डाउन ट्रेंड था दोस्तों वो हुआ था, इस वजह से इसमें पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हो गई थी दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग 74% की है और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से क्वार्टरली रिजल्ट है, डेप्थ फ्री स्टॉक है दोस्तों। इसके बारे में अभी भी सोच सकते हो, 5% के डाउनवर्ड अभी भी मिल रहा है दोस्तों। थर्ड हम बात कर लेते हैं दोस्तों एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल के बारे में हमने बताया था कि ये अभी ले सकते हो, क्योंकि अभी इसमें जो है अपर सर्किट मतलब अब जाना अपर मोमेंट अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि ये अभी एक ही मतलब जो एरिया था उसी में फ्लक्चुएट हो रहा था धीरे धीरे थोड़ा बहुत। लेकिन आने वाले टाइम में अभी तक ये भागा नहीं है और एकदम से भागने ही वाला है, क्योंकि अभी ये देखिए 4% डाउन है। अभी भी जो एक महीने का मैंने जो किया है चार्ट उसमें देखिए, उसमें एक महीने में भी अभी भी 4.64 का डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, नेक मतलब माइनस में। तो आप अभी भी इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हो। और आज एक दिन का रिटर्न बताएं तो एक दिन में 3% का रिटर्न मिल चुका है इसके अंदर पॉजिटिव। और दूसरी हम बात बताएं, एस्ट्रल जो है पाइप सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है, फंडामेंटल स्टॉक नंबर 1 पे, और सेकेंड पे जो आता है इसके बाद प्रिंस पाइप आता है। मार्केट कैप्चर एस्ट्रल का ज़्यादा है, प्रिंस पाइप का थोड़ा सा कम है दोस्तों। तो आप इसके बारे में अभी भी एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं दोस्तों। आप इसके बारे में एवरेज कर सकते हैं एस्ट्रल के पहले है, तो न्यू एंट्री चाहते हो तो भी एक दो स्टॉक उठा सकते हो दोस्तों। अगले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं हम अगले स्टॉक्स की तरफ चलें। इसमें हमने बताया था एल्काइलामाइन के बारे में कि ये स्टॉक है वो चलने वाला है, लेकिन अभी भी इसमें तेज़ी नहीं आई है दोस्तों। आने वाले 5 या 7 दिन के अंदर आपको इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा दोस्तों। और ऑल टाइम हाई से हम आपको बता दें कि ऑल टाइम हाई से लगभग अप्रोक्सीमेट डाउन चल रहा है
30-40% करीब डाउन चल रहा है दोस्तों। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों, एक साल में डबल के करीब कर देता है पैसे, देखिए दो गुना पैसे कर देता है एक साल में। और 5 साल की बात करें तो 2800% की रिटर्न है, और मैक्सिमम देखे तो 18700 के रिटर्न है दोस्तों। और केमिकल की बात करें तो इसके इनके जो केमिकल है एल्काइडामाइन के, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं, चलिए ये थे आज के स्टॉक्स जो हमने कल रिकमेंड किए थे, आज फिर से कर रहे हैं। आप इनके बारे में सोच सकते हो कि एवरेज करना चाहें तो एवरेज भी कर सकते हो, और न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो दोस्तों, एक दो स्टॉक उठा सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।